बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बना रही हूँ योगर्ट चाउमीन, और इसके लिए मैंने स्पेगेटी ली है, ये थोड़ी चपटी वाली, और ये मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, कैरेट है और स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है, और ये ऑयल है, एक प्याली केचप है, गार्लिक है, 5-6 जबे मैंने काट लिए थे, और ये स्वीट चिल्ली सॉस है, और ये सराशा सॉस है, और मैंने चिल्ली सॉस लिया है, सोया सॉस लिया है, सिरका लिया है। तो ये सब मैं अभी बताती जाऊँगी कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया। ये मैंने आधा पाव दही ली और एक प्याली मैंने इसमें केचप डाल दी, थोड़ी सी मैंने बाद में ली थी तो मेरी एक प्याली बन गई थी। ये मैंने स्वीट थाई चिली सॉस डाला है 2 टेबल स्पून, और अभी मैं ये सराशा सॉस डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, ठीक है। और एक ही बाउल में मैं ये सारा सॉस तैयार कर लूँगी ताकि हमारे लिए इजी हो जाए चाउमीन बनाने। बहुत इजी है, 5 मिनट्स में आप यकीन करें कि ये तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आपकी चिकन आपकी मतलब होनी चाहिए कटिंग हुई हुई, और फटाफट जो है आप ये जो है बस स्पैगेटी जो है आप बॉईल कर लें। ये चिल्ली सॉस है, ये भी 4 टेबल स्पून ले लिए मैंने, और सोया सॉस भी मैं 4 टेबल स्पून लूँगी, और विनेगर भी मैं 4 टेबल स्पून लूँगी। और अभी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें भी मैं इसमें ही डाल दूँगी, लेकिन गार्लिक नहीं डालूँगी, वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि किस वक्त डालना है। और ये एक मैं इसमें अभी क्यूब भी डाल दूँगी मसल कर, ताकि इसी में डिजॉल्व हो जाए। सारा सॉस हम जल्दी जल्दी एक ही बाउल में तैयार कर लेंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली, 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, और एक क्यूब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस ये हमारा पूरा सॉस इसी में तैयार हो गया, और अब हम जो है ना ऑयल में जो जो चीज़ें अभी मैं सॉटे वगैरह कर लूँगी तो उसमें ही इसको हमें डालना है। तो ये देखें, ऑयल मैंने आधी प्याली ले लिया है ताकि मैं ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो इसमें सॉटे कर लूँ। तो ये देखें, हल्का सा चलाएंगे, बस ज़्यादा नहीं इसको मतलब कर लेंगे, ये क्रंची क्रंची ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। और इसी ऑयल में मैंने ये स्ट्रिप्स काट के 1/2 kg रख लिए थे। अगर आपको चिकन की क्वांटिटी बढ़ानी है और तो आप 1 kg भी ले सकते हैं या 3 पाव भी ले सकते हैं। तो हरी प्याज का जो हरा पार्ट था वो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, आखिर में डालूंगी। ये देखें, जब कलर चेंज हो जाए आपके चिकन का तो आप इसमें से इसको निकाल लें। देखें, अब मैं एक ही पॉट में सारे काम कर रही हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन ख़राब ना हो। अभी उसी ऑयल में मैंने 5-6 जबे गार्लिक के कटे हुए रखे थे, वो मैंने डाल दिए फ्रेश, और मैंने ये जो योगर्ट का सारा अमेजा बनाया था वो सब मैंने सॉस इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैंने ऑयल और डाला था, मुझे कम लग रहा था, और मैंने उसमें जो ये चिकन थी वो भी मैंने डाल दी। ये देखें, केचप मैंने थोड़ी सी और डाली है तो मेरी एक प्याली बन गई, और ये मैंने वेजिटेबल्स भी इसमें डाल दी। आप यकीन करें, ये चाउमीन आप बना के देखिएगा, आप कहेंगे मैंने ऐसे चाउमीन नहीं खाए। इतने जूसी और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले ये देखें बिल्कुल रेडी हो